ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों, मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। और दोस्तों, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक डिफरेंट अपडेट लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुज तालियान के बारे में। अब काफी टाइम से मैंने कोई अपडेट नहीं डाली थी, तो मैं फाइनली अनुज तालियान की अपडेट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के अंदर कि अनुज तालियान की करंट फिजिक कैसी लग रही है। अब आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ये करंट फिजिक इसलिए बिकॉज इन्होंने 15 अगस्त के आसपास डाली थी और लेस देन अ वीक अगो की अपडेट है ये। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अनुज तालियान जो कि रिसेंटली गोल्ड मेडल जीते थे मिस्टर एशिया के अंदर, कितने ज़्यादा उनकी सिमिलर लग रही है उनकी कंडीशनिंग, जो कि उनकी शो वाली कंडीशनिंग से मतलब कितनी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। और बाकी आप लोग देख सकते हो कि आर्मी कैंप के बाहर ये निकलते हैं और ये पोजिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अनुज तालियान के लिए और ही इज अ वेरी हम्बल बॉडी बिल्डर। तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी एक अप्रिसिएशन पोस्ट बनाई जाए और आपको इनकी बॉडी दिखाऊं और इनकी कंडीशनिंग दिखाऊं कि कितनी ज्यादा थ्रू आउट द ईयर ये मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी को। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी मुंबई की प्रो शो के अपडेट्स के लिए। एज यूजुअल हम लोग अपने रूटीन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा राहुल फिटनेस के बारे में। और आप लोग इस अपडेट के अंदर देख सकते हो कि ही इज वाइड एज अ हाउस, मतलब कितने ज्यादा वाइड बॉडी बिल्डर है। और हम लोग तो दोस्तों भुवन चौहान और अली बिलाल के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल फिटनेस ही बाजी मार जाए इस वाले कॉम्पिटिशन के अंदर? ऐसा हो सकता है। अब राहुल फिटनेस के पास साइज का एडवांटेज तो है ही है, बस यही उम्मीद करूंगा कि वो ड्राई कंडीशनिंग और पोजिंग पर ध्यान दे दें और अपना बढ़िया सा मिड सेक्शन लेकर आए जिसके अंदर की एब्स के अंदर ज्यादा डीपनेस हो। और ज्यादा हार्ड एब्स लेकर आएंगे तो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं वो, बिकॉज अली बिलाल का जो मिड सेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इंडियन एथलीट्स को एक्सपोज कर सकते हैं इस चीज के अंदर। और उससे ज्यादा पोजिंग उनकी ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है अली बिलाल का, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। बस यही उम्मीद करूंगा कि राहुल फिटनेस जो है इस बारी काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे मुंबई के प्रो शो के अंदर, और जो भी अपडेट्स आएगी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको राहुल फिटनेस कैसे लग रहे हैं और क्या इस बारी वो बाजी मार सकते हैं भुवन चौहान और अली बिलाल के बीच में, जो कि हम लोग इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बारे में सिर्फ बात करी जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रो डेब्यू के अंदर जिनका होने वाला है मीमो युवराज का, और उनकी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूं 8 days out। और काफी ज्यादा कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर है और उससे ज्यादा कंसिस्टेंटली अपडेट्स डालते रहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। और सिर्फ अब दोस्तों 8 दिन रह चुके हैं और 28 अगस्त को इनका प्रो डेब्यू होने वाला है। पीक वीक के अंदर ये जाने वाले हैं और बस यही उम्मीद रहेगी कि बाहर खेलने जा रहे हैं तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, हमारे इंडियन एथलीट है। और मीमो युवराज काफी ज्यादा कंसिस्टेंट अपडेट्स डालते हैं और मैं भी कंसिस्टेंट उनकी जो भी कवरेज होगी दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी आपको उनकी अपडेट, आप लोग मुझे बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी एमेच्योर ओलंपिया की अपडेट्स के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ अरविंद स्पार्टिकस के बारे में। एंड दोस्तों, आपने अरविंद स्पार्टिकस को मेंस फिजिक के पोजिंग मतलब बोर्ड शॉर्ट्स के अंदर तो आपने देखा ही होगा, बट क्या आपने अरविंद स्पार्टिकस को बॉडी बिल्डिंग पोजिंग ट्रंक्स के अंदर देखा है? फाइनली दोस्तों, मैं आपको अरविंद स्पार्टिकस की आपको बॉडी बिल्डिंग फोटो दिखाने वाला हूं। और जैसे कि आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि ये रीसेंट फोटो नहीं लग रही, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये वाली उनकी रीसेंट फिजिक अपडेट है, बट आप लोग देख सकते हो कि अरविंद स्पार्टिकस बॉडी बिल्डिंग पोजिंग ट्रंक्स के अंदर कैसे लगते हैं, बिकॉज इस बार वो ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करने वाले मुंबई के प्रो क्वालिफायर्स के अंदर। और आप लोगों को दोस्तों कैसे लगते हैं पोजिंग ट्रंक्स के अंदर, आप लोग मुझे कमेंट्स करके तो बता सकते हो, बिकॉज यूजुअली हम लोग अरविंद स्पार्टिकस को मेंस फिजिक के बॉड शॉर्ट्स के अंदर देखते हैं। तो देखते हैं इस बार का कोई डिफरेंट आउटकम आता है मुंबई के प्रो क्वालिफायर्स के अंदर। और आप लोग अरविंद स्पार्टिकस के बारे में आपके जो भी थॉट्स होंगे आप लोग कमेंट्स के अंदर तो लिख ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने सिद्धांत जायसवाल की करंट फिजिक अपडेट के बारे में। और दोस्तों, उन्होंने फाइनली हमको पूरी फिजिक अपडेट ही दे दी हम लोगों को, और वो मुंबई के प्रो क्वालिफायर्स यानी कि एमेच्योर ओलंपिया के अंदर कंपीट करने वाले हैं। एंड फाइनली दोस्तों, सिद्धांत जायसवाल की बिना टैंक टॉप वाली फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूं। और आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि उनके कोच सर ने वैसे ये वाली फिजिक अपडेट डाली थी पहले, बट इसके बाद वो खुद ही अपनी फिजिक अपडेट डाल देते हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं कैप्शन के अंदर कि उनका करंट बॉडी वेट है 93.2 kgs, यानी कि 205 pounds के है वो। एंड इंटरेस्टिंग अपडेट में वो क्या लगी इस चीज के बारे में, वो ये थी कि सिद्धांत जायसवाल जो है वो क्लासिक फिजिक वाले पोजेस हिट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वो फ्रंट डबल बाइसेप कर रहे हैं, उसके साथ वो वैक्यूम उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो क्या लगता है दोस्तों, इसका क्या मतलब हो सकता है कि सिद्धांत जायसवाल इस बारी क्लासिक फिजिक के अंदर भी कम्पीट करने वाले हैं? अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो भुवन चौहान ने कुछ टाइम पहले लाइव वीडियो के अंदर कहा था कि सिद्धांत जायसवाल को क्लासिक फिजिक के अंदर कम्पीट करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या सिद्धांत जायसवाल क्लासिक फिजिक के अंदर हमको कम्पीट करते हुए नजर आएंगे? अभी दोस्तों कोई ऐसी चीज कन्फर्म नहीं है, बट हम तो यही होप करें कि सिद्धांत जायसवाल जो है मेंस फिजिक के अंदर ही जो है कम्पीट करेंगे इस बार एमेच्योर ओलंपिया के अंदर। बाकी आपको फिजिक अपडेट कैसी लगी सिद्धांत जायसवाल की, बिकॉज कंडीशनिंग काफी ज्यादा बेटर है पहले से और आगे आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा बेटर होगी, तो जो भी आपके थॉट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट्स में तो बता ही सकते हो। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने जुनेद कालीवाला की करंट फिजिक के बारे में। एंड सिद्धांत जायसवाल की तरह इन्होंने अपना विदाउट टैंक टॉप वाली अपडेट नहीं डाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पूरा शरीर इन्होंने ढक के रखा हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हो कि जुनेद कालीवाला कैसे लग रहे हैं।
एंड कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करूँ उनकी जो प्रेप हुई थी थाईलैंड प्रो के अंदर, उनके अंदर जो उनकी प्रेप चल रही थी उसकी कंडीशनिंग वर्सेस जो अभी वो उनकी कंडीशनिंग है उनके नेक्स्ट प्रो शो की, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अभी वाली जो उनकी करंट फिजिक है उसके अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग नोटिस कर सकते हो, हालांकि उनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो सीधा ही हमको स्टेज पर ही देखेंगे, अपनी हमको फिजिक वहीं पर ही दिखाएंगे कि जुनैद कालीवाला कैसे लग रहे हैं। बाकी आई एम होपिंग कि इस बार वो अपना बेटर वर्जन लेकर आएंगे जो कि वो अपना थाईलैंड के अंदर लेकर आए थे। और हालांकि मेरे को कंडीशनिंग इस बार पूरी कोशिश करेंगे इस बार जुनैद कालीवाला की वो नेल कर जाए कंडीशनिंग के अंदर। और आप लोगों को उनकी फिजिक कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट्स में तो बता ही सकते हो। एंड डेफिनेटली इस बारी उनकी जो कंडीशनिंग है वो मच बेटर है जो कि प्रीवियसली उनकी प्रेप के अंदर थी। इसके बाद बढ़ते हम लोग दोस्तों अपने इंडिया के लेजेंड बॉडी बिल्डर के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिनका नाम है अंकुश शर्मा। दोस्तों मैं उनकी कमबैक अपडेट लेकर आ चुका हूं। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है कमबैक अपडेट? अब इसका मतलब ये है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अंकुश शर्मा अपना बॉडी बिल्डिंग के अंदर रिटर्न करने वाले, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि उनकी करंट फिजिक कैसी लग रही है। अभी आप लोग देख सकते हो कि उनकी कमबैक की तैयारी चल रही है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनकी प्राइम टाइम के अंदर फिजिक थे ना अंकुश शर्मा की, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स एवर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इंडिया के लेजेंड बॉडी बिल्डर तो है ही अंकुश शर्मा, और काफी सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शोज भी खेल चुके हैं अंकुश शर्मा, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर है। हालांकि इन्होंने जो नेक्स्ट शो के अंदर कम्पीट करने वाले उसका नाम नहीं बताया, बट जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी आपको करंट फिजिक की जो भी उनकी अपडेट लगी आप लोग मुझे बता सकते हो, और आगे जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे लेजेंड बॉडी बिल्डर इंडिया के। अब कितनी सारी लेजेंड बॉडी बिल्डर्स की अपडेट आ रही है। अब दोस्तों इस अपडेट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मुरली कुमार के बारे में, जो कि शायद चेन्नई के रहने वाले बॉडी बिल्डर है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल इन्होंने मेडल जीता था। अब मुझे भी नहीं ये वाली बात पता लगी थी, बट अभी मेरे को बात पता चली थी कि मुरली कुमार ने इस साल भी मेडल जीता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के अंदर इन्होंने कम्पीट करा था, और जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो कि पीछे 2022 का जो भी है बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि इनका कॉन्टेस्ट हुआ था, और देख सकते हो कि भाई मुरली कुमार ने कम्पीट करा था और मेडल जीता था। तो आप लोग देख ही सकते हो कि एज के हिसाब से डेफिनेटली इन्होंने काफी बढ़िया कम्पीट करा था। और क्या ये कमबैक कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली यतेंद्र सिंह और अंकुश शर्मा ने किया है, तो क्या मुरली कुमार भी हमको बहुत ही जल्द स्टेज पर देखेंगे मिस्टर इंडिया या फिर मिस्टर एशिया या फिर मिस्टर वर्ल्ड के स्टेज पर? कैसा हो सकता है? यही उम्मीद करूंगा कि मुरली कुमार हमको बहुत ही जल्द स्टेज पर देखने को मिलेंगे। बाकी आपको थॉट्स क्या है उनके मेडल जीतने पे आप लोग कमेंट्स में तो लिख ही सकते हो। अब दोस्तों इतने सारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स की अपडेट मैंने आप लोगों को बता दी, तो अब थोड़े इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा म्यूटेंट निक वॉकर की अपडेट के बारे में। एंड दोस्तों काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं निक वॉकर, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि करंट फिजिक कैसी है निक वॉकर की। एंड डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट्स करे हैं निक वॉकर ने इस वारी के ऑफ सीजन के अंदर। आप लोग स्पेशली देख सकते हो कि जो उनका रेयर डेल्टॉइड है कितना ज्यादा बढ़िया और राउंड लग रहा है। उसके साथ आप देख सकते हो कि फ्लेयरिंग लैट्स जो है उनके जो फ्रंट रिलैक्स वाले पोज के अंदर आप लोग उनके फ्लेयरिंग लैट्स देख सकते हो। उसके साथ अगर आप लोग लेग्स पे देखोगे तो आउट ऑफ स्वीप ऑफ द क्वाड्स आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो कि पहले निक की फिजिक के अंदर इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता था। तो डेफिनेटली शेप के अंदर तो है ये निक वॉकर। अब अगर मैं गेस करूँ तो मुझे तो यही लगता है कि निक वॉकर अभी तो 300 पाउंड के नीचे ही होंगे, बिकॉज ऑफ सीजन के अंदर वो 300 पाउंड के ऊपर ही रहते थे निक वॉकर। बस अब निक वॉकर तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ओलंपिया आएगा और वो कब स्टेज पर चढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। बाकी कैसी लगी आपको अपडेट निक वॉकर कि आप लोग मुझे बता ही सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं एंड्रयू जैट के बारे में। एंड दोस्तों एंड्रयू जैट की कोई मैं करंट फिजिक नहीं लेकर आया हूं, कोई फिजिक अपडेट नहीं, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एंड्रयू जैट ने जो भी रिसेंटली टेक्सास प्रो के अंदर कंपीट करा था उसकी मैं वीडियो लेकर आया हूं, जो कि उन्होंने प्री जजिंग के बाद की वीडियो है। और दोस्तों ये वाली वीडियो मेरे को रिमाइंड करी थी शॉन रोडन की, बिकॉज दोस्तों शॉन रोडन भी जब कंपीट करा करते थे तो क्रिस असीटो के साथ जो कि उनके कोच थे होटल रूम के अंदर वो पोजिंग किया करते थे, और ये वाली जो पोजिंग थी एंड्रयू जैट की मेरे को शॉन रोडन की मेरे को रिमाइंड करी थी, और वो ऐसे ही मतलब पोजिंग वगैरह करा करते थे। तो अब दोस्तों बात करूँगा मैं एंड्रयू जैट के बारे में, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी फिजिक के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आने वाले सालों के अंदर ओलंपिया के अंदर वो बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं जीतने के लिए। और वही बात है दोस्तों एंड्रयू जैट की फिजिक के अंदर वो बात है, वो स्ट्रक्चर है एंड्रयू जैट के पास जो कि वो ओलंपिया जीत सकते हैं। बस दोस्तों आपको यही दिखाना चाहता था कि एंड्रयू जैट की जो फिजिक थी वो कितनी ज़्यादा सिमिलर लग रही थी जो शॉन रोडन की जो एस्थेटिकल फिजिक थी, जो कि वो होटल रूम के अंदर पोजिंग करा करते थे। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।